मौजूद है बरेली कचहरी के सामने। यहाँ बरेली के एसएसपी मुनिराज के अनुरोध के बाद नगर निगम की टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको ये बताते चले कि बरेली एसएसपी के दफ्तर में पानी बरसने के बाद जलमग्न हो जाता था पूरा दफ्तर, जिसकी वजह थी चौक नाला जिसके ऊपर स्लैब पड़े हुए थे, अवैध कब्जे थे। नगर निगम की टीम ने आज यहाँ पर पहुंचकर जबरदस्त कार्रवाई शुरू कर दी है, अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं। आइए दिखाते हैं कि एसएसपी के अनुरोध के बाद कैसे गर्जी है बरेली में नगर निगम की जेसीबी। भैया देखिए, नाले के ऊपर लगी थी दुकानें जिसकी वजह से चौक था ये कचहरी का नाला, और एसएसपी के दफ्तर में पानी भर जाता था चौक नाले की वजह से। जो मेरे कैमरे की नज़र में आप देख रहे हैं, जूम करके भी दिखा रहे हैं, पूरा कैमरे की नज़र से पूरे नाले का हाल हम दिखा भी रहे हैं आपको। यह एसएसपी ऑफिस की दीवार है, पूरा नाला चौक यहाँ पर देख रहे हैं आप। देखिए, नगर निगम की कार्रवाई कचहरी पर चल रही है और जेसीबी मशीन से खोखे को उठा लिया गया है। मेरे कैमरे की नज़र में आप देख भी रहे होंगे, अतिक्रम हटाओ दल दिखाई दे रहा है निगम का, जबरदस्त कार्रवाई है। और देखिए ट्रैक्टर पर लादा जा रहा है खोखा, हम दिखा रहे हैं बरेली कचहरी से लाइव, मेरे कैमरे की नज़र में दिखाई दे रहा है आपको जेसीबी क्रेन से कैसे उठाए जा रहे हैं खोखे। नगर आयुक्त सैमुअल पाल एनआईएस के निर्देश पर बरेली में शुरू हुई ये कार्रवाई। देख रहे होंगे कार्रवाई, यहाँ पर लस्सी और मट्ठे की दुकानें थी, तमाम गाड़ियां वाहन यहाँ पर खड़े होते हैं मेन रोड पर। मेरे कैमरे की नज़र में आप देख भी रहे होंगे, कब्जा ही कब्जा है सरकारी सड़क पर, रोजाना इसी तरीके से कतारबद्ध लगती हैं यहाँ पर गाड़ियाँ, आवागमन होता है बाधित। देखिए, आम उपभोक्ताओं को बत्ती देने के लिए बिजली विभाग के ऐसे तो तमाम कानून हैं, बिजली देने के लिए किरायेनामे की रसीद, दुकान की रसीद देखी जाती है, लेकिन यहाँ दुकान पर एक मीटर लगा हुआ है बता रहा है कि बिजली विभाग भी कहीं ना कहीं कनेक्शन दे रहा है ऐसे उपभोक्ताओं को जिनके पास अपनी दुकान नहीं है। नगर निगम की निगाह में ऐसे दुकानदार सड़क पर कब्जा करके दुकान लगाए हुए थे। देखिए, अतिक्रम हटाओ दल के जयपाल पटेल लगातार निर्देशित कर रहे हैं और पूरी टीम। देखिए, जेसीबी मशीन को निर्देशित कर रहे हैं जयपाल सिंह पटेल, क्या कार्रवाई होने है कुछ ही देर में आपको दिखाई देगा। बिजली के कनेक्शन हटाए जा रहे हैं और अवैध तरीके से यहाँ पर बिजली के कनेक्शन लिए गए थे, कहीं ना कहीं बिजली विभाग भी इन अतिक्रमणकारियों से करीबी रिश्ता रखता है। ये कहना कि बिजली विभाग और अवैध कब्जे वालों के बीच में कहीं ना कहीं गठबंधन है, कहीं ना कहीं कोई साठगांठ है, कहीं ना कोई गैरकानूनी तरीके से कनेक्शन बांटे गए हैं, ये इस बात का गवाह है। अवैध कब्जे को कैसे मिल गया कनेक्शन। लेकिन धड़कती हुई नगर निगम की जेसीबी और लगातार चल रही है कार्रवाई, आगे अधिवक्ताओं के चैंबर की है। लेकिन नगर निगम की टीम गिर जाते हैं लगातार। देखिए, ऐसे धड़क रही है नगर निगम की जेसीबी और चल रही नालों की सफाई। बता रहे, एक दशक से नाला बंद पड़ा था, करीब 10 साल से।